ये लीजिए, आपकी जिद की सजा बेचारे आपके कुर्ते को मिली। लाइए, उधार के दे दीजिए, हम सिल के ले आते हैं। तिवारी जी, तिवारी जी, कुर्ता फट गया है, लाइए उठिए, दीजिए। अभी लाते हैं सिल्के। तिवारी जी बस कीजिए। पता नहीं कहाँ हो गया है तिवारी जी को, दो बच्चों के बाप हैं और तीसरा पेट में, पर फिर भी बर्ताव ऐसे कर रहे हैं जैसे कि नई नवेली शादी हुई हो। आदि सुनो ना, पापा जी को सब सच बता दो। हाँ, तुमने सुना उन्हें क्या बोला? वो बेटे से ज्यादा तुम्हें दोस्त मानते हैं, कितना भरोसा करते हैं तुम पे। और अगर वो इतना भरोसा करते हैं तो तुम्हें उनका भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए ना। आदि सुनो, सुन सुनो, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि तुम पापा जी के सामने बात नहीं कह सकते, पर माँ, माँ को तो बता सकते हो ना, माँ से प्यार करते हो ना तुम। मैं भी एक बार सोच रहा हूँ, उन्हें कहीं बाहर से पता चलेगा कि उनके बेटे ने उनकी ज्वेलरी चुराई है, चोर है वो, तो उन्हें। एनफ रविया, चोर 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 लगा रखा है, तुम चोर कह के मुझे साबित क्या करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है मेरे माँ के गहनों में मेरा हक नहीं है? अगर है तो इस चोरी को मैं चोरी नहीं मानता। अगर चोरी नहीं मानते तो चिल्ला क्यों रहे हो, सबको बता क्यों नहीं देते तुम? तुम्हारे चिल्लाने में ना तुम्हारा गुस्सा नहीं, तुम्हारी गिल्ट नजर आ रही आदि। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि माँ तुमसे बहुत प्यार करती है आदि, पूरे मोहल्ले में गर्व से सर उठा के तुम्हारे बारे में बात करती है, यार दिल टूट जाएगा उनका। कम से कम उन्हें तो बता दो, माफ भी कर देंगे और तुम्हारे जो गिल्ट है वो भी तो खत्म हो जाएगा ना आदि। अगर तुम नहीं बताओगे ना तो मैं बता दूंगी, और अगर मैंने बताया तो बात बिगड़ सकती है, पर अगर तुमने बताया तो बात यही खत्म हो जाएगी। हो सकता है ना माँ पापा जी तक ये बात पहुंचने ही ना दे, इस तरह से तुम्हारे और पापा जी का जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है वो भी ब्रेक नहीं होगा। प्लीज एक बार सोच लो।